और लाइटली हूँ। तू समझ रहा है मेरी फीलिंग्स में तेरे को? ऑब्वियसली यार, समझदार मेरा भाई है इसलिए मैं तेरे को समझा रहा हूँ, बस ये बात है। छत्तीस दिन हो गए होंगे, 30 दिन में मेरे हिसाब से मैं 4 या 5 बार इसके साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होगी बस मैक्सिमम। क्योंकि देख मेरे को पता है कि मेरे को कौन क्या कैसा है। अब वो सोचा इधर से मैं इसको बोलो कॉफ़ी बना दे यार। अब वो साड़ा उसमें भी चढ़ जाएगा। अब उसने अपने आप से कॉफ़ी वर्ड जोड़ लिया, इसकी दही छिताई मांग रही है, मुझे पता लग गई। उसके नेचर में ये चीज़ तो है ही कि हम जीते हैं, मेरा सामान है, मैं शेयर नहीं करता, ये हमने देखी है। बट उसके नेचर में है ना ये चीज़ें, देख उसके नेचर में है। मैं एक दिन मेरा बहुत सर दर्द होता, मैंने पहली बार मेरे को किसी से नहीं मांगना पसंद, मैंने उसको पहली बार बोला मुझे कॉफ़ी चाहिए क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था, तो हम दे सकते हैं नहीं, फिर दे दी उसने। पर एक हमारा नेचर है, जैसे हम तू और मेरा नेचर है हुआ कि हमसे कोई कहेगा ना कॉफ़ी, हमें पता नहीं पड़ेगा, हम कहेंगे भाई जिसको लेनी है ले लो। हाँ, ये हमारे नेचर में, हम बोलते हैं जनरल का सामान। ये तो नियत वाली बात है, नियत थोड़ी ख़राब है। अब मेरा को सामान मिला, मैंने बोला मेरा सारा सामान जनरल का सामान है, जिसको लेना है ले लो, समझ गया। पर इनमें ये बातें नहीं आती कि तुम ले लो, इनका बस ये अच्छा तूने कॉफ़ी लेके अपनी अलग रख ली, अपने अंडे अलग रखना, अपना दही अलग रखना। तो इनका माइंडसेट भी उस हिसाब का है ना। अब उधर पूजा दी ने उस दिन बोला मेरा पेट खराब था, मेरे छाले मुंह पे हो रखे थे पूरे, उन्होंने बोला दही ले लो, मेरा मन नहीं था दही लेने का। ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको बोलेंगे वो मना करेगा, पर एक वो हिचकिचाहट ना बहुत जल्दी फील हो जाती है कि नहीं अच्छा ठीक है, क्योंकि इंसान के अगर मन में दूसरी बात आ गई ना कि दूँ दे सकते हैं तो समझ लो उसकी दिल नहीं है। अगर जैड है, जैड को तो कुछ बोल ले तू एग्स, वो कहेगा ब्रो दिल किल मी इफ आई टेल यू बट इट्स ऑल योर्स, डोंट टेल मी एंड टेक इट। ये समझ गया, एक पता चल जाता है इंसान की नीयत कैसी है।